स्थान पे खड़े हो जाएं। चलाइए के पैर को, पहले धीरे धीरे चलाना है आराम आराम से, फिर स्पीड बढ़ानी है आपको। कोई भी अभ्यास करे तो पहले आपको धीरे धीरे करना है, स्लो स्लो, फिर आप चाहे तो तेज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे घुटने को ऊपर तक उठाने की कोशिश करें। कम से कम आपको 2 मिनट करना है डेली अभ्यास। चलिए अब पीछे ले जाना है पैर को, पीछे की ओर। अभी तो हम सामने उठा रहे थे घुटने को, अब पीछे ले जाना है। अपनी एडी को हिप से टच करवाने की कोशिश करनी है, पहले धीरे धीरे करना है फिर ऊपर उठाना है। अब ऊपर तक उठाइए पूरा, वेरी गुड। चलिए रिलैक्स करेंगे। अब अपनी राइट लेग को मोड़िए इससे पीछे की ओर। अपनी राइट हैंड से पंजे को पकड़ के अंदर की ओर खींचे, तनाव दीजिए पंजे को, पैर की अंगुलियों को पकड़ के खींचना अंदर की ओर। किसी बोल का सहारा ले लीजिए, ऐसे अंदर की ओर खींचे। अब आपको यहाँ कम से कम 2 मिनट रुकना है ऐसे खींच के। शुरुआत में आपको कम करना है, फिर धीरे धीरे आपको संख्या बढ़ानी है। चलिए रिलैक्स करेंगे, लेग चेंज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स, चलिए रिलैक्स करें। अब करेंगे दोनों हाथ कमर पे रख लें, एक बार पंजे पर आएंगे फिर एडी को नीचे टिकाएंगे। वेरी गुड, पंजे पर एडी को ऊपर उठाएं, फिर एडी को नीचे टेके पंजे को ऊपर उठाएं, अल्टरनेट करेंगे अप एंड डाउन। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो किसी बोर्ड का सहारा ले लीजिए। हर एक अभ्यास आपको होल्डिंग के साथ करना है, पहले अप एंड डाउन करके करेंगे 10 बार, फिर 2 मिनट 1 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है उतना होल्ड करना है। चलिए अब पंजे के बल आ जाए सभी, ऊपर की ऊपर उठिए, एडी को और ऊपर उठाएं। अब यहाँ होल्ड करके रुकेंगे, वन टू
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. धीरे धीरे रेडियो को टिकाए नीचे। अब पंजे को ऊपर उठाए सामने से, किसी और का सारा ले लीजिए, ऐसे तो नहीं होगा। चलिए उठाइए पंजे को ऊपर ऊपर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिलैक्स। चलिए अब अपने राइट लेग की अंगुलियों को नीचे दबाइए, अंगुलियों को नीचे की ओर दबाइए, खिंचाव दीजिए। वेरी गुड, वापस सीधा कीजिए। एक बार और मोड़ेंगे, पुनः सीधा करें। एक बार और मोड़िए, होल्डिंग के साथ रुके रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वापस से सीधा कीजिए अंगुलियों को। अब दूसरे पैर से करेंगे। चलिए कीजिए अभ्यास, अंगुलियों को अंदर की ओर दबाएं, खिंचाव दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वापस से अंगुलियों को सीधा कीजिए। चलिए रिलैक्स करेंगे। हर एक अभ्यास आपको होल्ड करना ही करना है, चाहे आप 10 अभ्यास बताए जा रहे हैं तो आप, चाहे आपके पास टाइम कम है तो आप चाहे 10 में से 5 अभ्यास ही कर लें, लेकिन होल्डिंग के साथ करना है एक हर एक अभ्यास। चलिए दोनों हाथ कमर पे लगा लीजिए, अपने राइट लेग को सामने निकालें, राइट लेग को घुटने से मोड़े। ध्यान रखिए आपका लेफ्ट लेग एकदम सीधा, एडी नीचे जमीन से टिकी हुई, एडी को ऊपर नहीं उठाना है। वापस आएंगे, 5 बार अप एंड डाउन करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन। यहां होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वापस सीधा कीजिए, लेग चेंज, लेफ्ट लेग को सामने निकालिए, घुटने से बेंड करें। इनहेल अप, सीधा कीजिए, एक्सहेल डाउन, अप डाउन। यहां होल्ड करके रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। चलिए दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। चलिए अब करना क्या है, श्वास बढ़ते दोनों हाथ ऊपर जाएंगे,
और अपने नी को मोड़ना है, बेंड करना है, ठीक है। श्वास बढ़ते ऊपर, नी को मोड़िए, एक्सेल डाउन, घुटने को आपस में मिला लीजिए, अब होल्ड करके रखेंगे यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे ऊपर आइए, दोनों हाथों को साइड से नीचे चले, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर चले। रिलैक्स करें, सभी अपने आसन पे बैठ जाएं, जो बैठ कर बैठ नहीं सकते हैं, पहले हिप को बाहर निकालें, दोनों हाथ नीचे टिकाइए, पूरा बॉडी वेट पूरा हाथों पर, धीरे धीरे अपनी हिप को टेकिए और पैर को सीधा कर दीजिए। चलिए दोनों हाथ शरीर के बगल में, जो मैं ये अभ्यास बता रही हूँ या बस नियम बना लीजिए कि जब आप बिस्तर से उठें तो बिस्तर से उठ जमीन पर पैर रखने से पहले आप ये अभ्यास करके ही नीचे उतरें। चले अंगुलियों की मूवमेंट करनी है, कीजिए अंगुलियों को अप एंड डाउन कीजिए, दिन में कम से कम आपको 2 बार करना है, अगर ज्यादा करें तो और भी अच्छा है, आपका दर्द जो भी समस्या है घुटने से संबंधित वो ठीक होंगी। चलिए पहले आपको अप एंड डाउन करना है, चलिए अब होल्डिंग के साथ करेंगे, अंगुलियों को अंदर बाहर की ओर खींच के रखें, तनाव दीजिए, खिंचाव दीजिए अंगुलियों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, relax। अब अंदर की ओर खींच के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स। चलिए पूरे आपको मैं एक्यूप्रेशर 2 पॉइंट बता देती हूँ पैरों के लिए, तो आप ध्यान से देखिए, आपका ये पैर है तो लास्ट की अंगुलियों को आप छोड़ दीजिए, फेस की 2 अंगुलियों को छोड़ दीजिए, 1 तो अंगूठे को अंगूठे के साथ जो फिंगर्स है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 फिंगर्स है उनको आपको दबाना है अच्छे से कम आपको 5 मिनट दबाना है। फिर क्या करना है, इन 2 अंगुलियों को अंदर की ओर खींचना है, यहाँ की जो नर्व्स हैं वो हमारे घुटने तक जा रही हैं, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा इसमें, तो आपकी जो ये 2 अंगुलियां हैं उनको अंदर की ओर खींच के रखना है कम से कम 1 या 1.5 मिनट ऐसे, फिर बाहर की ओर खींच के रखना है ऐसे इन 2 अंगुलियों को। अगर आप इसका अभ्यास 5 से 10 बार करेंगे दिन में तो आपको काफी लाभ मिलेगा। चलिए
मसाज करनी है, दोनों पैरों की करने हैं, अंगुलियों को भी अप एंड डाउन करना है। चलिए दोनों पैरों को वापस सीधा कर लीजिए। अब पूरे पंजे को अप एंड डाउन करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आप सामने की ओर होल्ड करके रखें, खींचे नीचे की ओर दबाइए पंजे को, पूरा खिंचा दीजिए। वन, अगर खुद से दबाव नहीं लग रहा है तो सामने किसी आपके फैमिली मेंबर को खड़ा कर दीजिए और अपनी हथेलियों के सहारे से इनको नीचे की ओर प्रेस करवाइए। खिंचाव आना चाहिए तभी आपको आराम मिलेगा। ये पूरी नौ सही खिंचनी चाहिए, जितना आप सहन कर सके उतना दबाव दीजिए। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, रिलैक्स। अब अंदर की ओर खींच के रखेंगे। अगर आपके हाथ पैरों तक जा रहे हैं तो आप अंदर की ओर आप खुद ही खींच लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, रिलैक्स। अब अल्टरनेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, छोड़ दीजिए। अब अल्टरनेट कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम कर लीजिए, बट होल्डिंग के साथ जरूर करना है। जब कोई अभ्यास हम होल्डिंग के साथ करते हैं तो उसका हमें लाभ ज्यादा जल्दी मिलता है। चलिए रिलैक्स करेंगे, वापस मिला लीजिए पैरों को। अब पैरों को दोनों को गोल गोल घुमाएंगे, फाइव टाइम क्लॉकवाइज फाइव टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरे खींच के ले जाना है पंजे को नीचे तक, फिर अंदर की ओर लाना है। वन टू थ्री फोर फाइव, देन एंटी क्लॉकवाइज। वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब करना क्या है, अपने घुटने को अंदर की ओर खींचे, कम से कम 10 बार अंदर की ओर खींचे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे 15 बार भी खींच सकते हैं, 20 बार भी, 25 बार भी। चलिए खींचे, अपनी नी कैप को अंदर की ओर खींचे, फिर ढीला छोड़े। चलिए वन टू थ्री फोर फाइव, खींचना है फिर ढीला छोड़ना है, खींचना है फिर ढीला छोड़ना है, अभी होल्ड नहीं करना है। चलिए
अब खींच के रखना है अपनी ओर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स, टेन रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाए, अपने राइट लेग के नीचे रखें, थाई के नीचे। चलिए, जो आपका घुटने का गड्ढा है वहां पे रखिए, दोनों अंगूठे को सपोर्ट के लिए अपनी नी की साइड में रखें, अच्छे से दबा के रखें पॉइंट को। चलिए, अंदर की ओर खींचे घुटने को। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करें, पंजे को अपनी ओर खींच के रखें, धीरे धीरे डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब यहां होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। धीरे धीरे वापस चलें। अब दोनों हाथों से पैर ऊपर से पकड़े घुटने के नीचे से, अब अपनी ओर दबाइए घुटने को, अपनी ओर खींचिए। वेरी गुड, पैर को ऊपर नहीं उठाना है, अपनी ओर खींच के रखें, कमर गर्दन सीधी, जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है वहीं रुक जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स, चलो पैर को सीधा कर दीजिए, दूसरे पैर से करेंगे। अपने और खींचे घुटने को, कमर सीधे, धीरे धीरे पैर को सीधा करें, पंजे को अपनी ओर खींचिए, डाउन अप। जब भी पैर ऊपर जाएगा तो पंजे को अपनी ओर खींच के रखना है, डाउन अप डाउन ऊपर। होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। धीरे धीरे रिलैक्स, चलिए। अब यहीं से करना क्या है, पैर को गोल गोल घुमाना है। चलिए घुमाइए, आराम आराम से घुमाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। एंटी क्लॉकवाइज, वन
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. चलिए आप दोनों हाथों से घुटने के नीचे से पकड़े पैर को, सामने से अंदर की ओर खींचे. चलिए कमर गर्दन सीधी. अब यहां रो के रखें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. चलिए अब राइट पैर से और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं पैर को. चलिए वापस से कीजिए राइट पैर को. चलिए घुमाइए पैर को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. चलिए रिलैक्स करेंगे. अब सभी अपने स्थान पे लेट जाइए. अगर आपके पास पिलो है तो पिलो ले लीजिए. चलिए अपने पिलो को अपने नी के नीचे रख दीजिए. चलिए लेट जाइए. हेलो. आपके पास अगर कोई मोटा रोल है तो रोल दे दीजिए नीचे, नी के नीचे. चलिए अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएं. ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, ऐसे ऊपर पंजे को अपनी ओर खींच के रखें. राइट लेग को पंजे को अपनी ओर खींच के रखें. वेरी गुड. खिंचाव दीजिए अंदर की ओर और अपने पिलो को नीचे की ओर दबाएं, घुटने से नीचे की ओर दबाएं. 1, 2. रुक जाइए एक बार, समझने की कोशिश कीजिए. लगभग सभी गलत कर रहे हैं ये अभ्यास. आप लोगों को घुटने के नीचे वाले भाग से पिल्लो के ऊपर दबाव डालना है. जितना एडी आगे से उठेगी उतनी ही उठानी है. ऐसा नहीं कि आप पूरा पैर हवा में उठा दें. पूरा पैर नहीं उठाना है. आप लोगों ने घुटने के नीचे वाले भाग से पिल्लो को प्रेस करना है. प्रेस करना है उसकी वजह से जितना एडी उठेगी सिर्फ उतना ही उठाना है. कीजिए शाबाश. खींच के रखे पंजे को अपनी ओर. चलिए रिलैक्स. राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए. लेग चेंज. दबाइए पिल्लो को नीचे की ओर, पंजे को अपनी ओर खींचिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
रिलैक्स। चलिए बिना छोड़ दीजिए, तीन से चार लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, पैरों को आपस में मिला लीजिए, नीचे तकियों को प्रेस कीजिए, अपने पीलो को प्रेस कीजिए, पंजे को अपनी ओर खींचिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स रिलैक्स करें। चलिए अब दोनों पैर के पंजे को सामने की ओर खींच के रखना है, पीलो को दबाइए नीचे। चलिए खींचे अपने पंजे को सामने की ओर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स। अब अपने पीलो को अपने एंकल के नीचे लगाएं, अपने पीलो को एंकल के नीचे लगाएं आप। चलिए सेम अभ्यास दोहराएंगे। चलिए दोनों पैरों से पीलो को नीचे दबाइए, प्रेस कीजिए, पंजे को अंदर की ओर खींचे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स। सामने की ओर खींच के रखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन एंड टेन। चलिए रिलैक्स। अब अपने पिलो को निकाल दीजिए, चलिए साइड में रख दीजिए पिलो को। अब आप ने एक मोटी टावल लेनी है, मोटी टावल को रोल करना है। आपके पास अगर रोल ऑलरेडी पहले से है तो कोई अच्छी बात है। इस रोल को आपको अपनी राइट लेग के घुटने के नीचे लगाना है, जो जहां गड्ढा है वहां लगाइए। चलिए पैर के घुटने के नीचे फंसा लीजिए इस रोल को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों हाथों से घुटने के आगे से पकड़े, घुटने के आगे से पकड़े, धीरे धीरे घुटने को अंदर की ओर लाएं, धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर दबाएं। वेरी गुड, नीचे की ओर दबाएं। अब यहां होल्ड करके रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स. लेग चेंज करेंगे, अपनी राइट लेग को सीधा कर दीजिए. लेफ्ट लेग से करेंगे इस रोल को, लेफ्ट पैर घुटने के नीचे लगाएं, अच्छे से फिट करें. चलिए दोनों हाथों से आगे से पकड़े, घुटने के आगे से, घुटने से नहीं पकड़ना है, आगे से पकड़ना है. धीरे धीरे अपनी ओर प्रेस कीजिए, घुटने को अंदर की ओर लाएं अपनी ओर. अब पैर को नीचे दबाएं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स. चलिए इस रोल को निकाल लीजिए, रोल को साइड में रख दें. अब जो आपको मैं बोली थी, आपके पास बेल्ट होगा तो बेल्ट को ले आए, बेल्ट नहीं है तो आपके पास दुपट्टा वगैरह होगा. चलिए अपनी राइट लेग को नीचे मोड़े, बेल्ट को अपने घुटने के नीचे लगाएं, जहां वो गड्ढा है वहां पर लगाएं. चलिए थोड़ा बेल्ट को नजदीक की ओर ले आएं, नजदीक से पकड़िए. वेरी गुड, बहुत अच्छा. चलिए अब धीरे धीरे घुटने को अपन अपनी ओर खींचिए, धीरे धीरे आराम आराम से खींचना है और जोर जबरदस्ती नहीं करनी. चलिए वापस से ले जाना है घुटने को, वापस अप एंड डाउन करना है. चलिए डाउन अपनी ओर खींच के रखें, डाउन अप. चलिए जहां आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वहीं पे रुक जाना है, वहीं पे रुक जाना है घुटने को खींच के अंदर की ओर. चलिए अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, पैर को धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करें. चलिए वापस से पैर को नीचे लाएंगे, अप. आराम आराम से पैर को उठाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है. डाउन अप डाउन अप. चलिए ऊपर होल्ड करके रखेंगे, वन पंजे को अंदर की ओर खींचे, टू थ्री घुटने पकड़ के रखना है अपने बेल्ट को, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. धीरे धीरे वापस पैर को नीचे लाएंगे, पैर को सीधा कीजिए, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए अपनी राइट लेग को. लेग चेंज, लेफ्ट पैर से करेंगे. चलिए घुटने को अपनी ओर खींचिए. वेरी गुड. डाउन नीचे ले जाएंगे, अब सीधा करेंगे घुटने को. वापस इनहेल अप अपनी ओर खींचिए, पैर को अभी नहीं उठाना है, घुटने की मूवमेंट कर रहे हैं अभी. डाउन अप डाउन
चलिए अब यहीं से ऊपर उठाना है धीरे धीरे, पैर को घुटने को अपनी ओर खींच के रखें अच्छे से। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करने की कोशिश करें, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वापस नीचे लाएंगे पैर को, अप एंड डाउन करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, आपको 10 से 15 बार अप एंड डाउन करना है और फिर आपको 2 मिनट होल्ड करके रखना है। आपको आपके पास मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना टाइम हो बट होल्डिंग के साथ हर एक अभ्यास करना है। चलिए ऊपर होल्ड करके रखेंगे, चलिए घुटने को सीधा करने की कोशिश करें, पंजे को अंदर की ओर रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. चलिए अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर दीजिए। चलिए रिलैक्स, अपने राइट लेग को मोड़िए वापस। अब अपने जो बेल्ट है उसको पंजे के नीचे लगाना है, अपनी बेल्ट को पंजे के नीचे लगाएं। चलिए अब धीरे धीरे पैर को सीधा करने की कोशिश करें, जहां तक जा रहा है, जहां दर्द हो रहा है वहां रुक जाना है। चलिए वापस से मोड़िए पैर को, अपने पैर के पंजे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, इतना दबाव लगाएं बेल्ट से आपका पंजा अपनी ओर खींच जाए, ज्यादा भी मत लगा देना, जितना आप सहन कर सके उतना। अब यहाँ होल्ड करके रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऊपर उठाएं, 10, रिलैक्स। पहले घुटने को मोड़ेंगे धीरे धीरे, फिर पैर को नीचे लाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेग चेंज, लेफ्ट लेग से करेंगे, बेल्ट को पैर में इस प्रकार फंसाएं कि बेल्ट निकल ना पाए। चलिए धीरे धीरे पैर को सीधा करें और ऊपर उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें, वेरी गुड। पूरी आपकी थाई काफ मसल्स खींच जानी चाहिए, इतना खींचना है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। अब घुटने को मोड़िए, पहले घुटने को मोड़िए फिर अपने बेल्ट को निकालिए। चलिए रिलैक्स, अपनी बेल्ट को साइड में रख दीजिए, अब पिलो ले लीजिए, दोनों घुटनों को मोड़ के रखें। चलिए
अब घुटनों के बीच अपने पीलों को लगा लीजिए, घुटने के बीच अपने पीलों को लगा लीजिए। चलिए घुटने से अपने पीलों को दबाइए, अंदर की ओर दबाइए घुटने से। अगर जिनके घुटने नहीं मुड़ पा रहे हैं अच्छे से तो वह दोनों पैरों को फैला दीजिए सामने, फिर अपने दोनों घुटने के बीच पीलों को इस प्रकार रखें और धीरे धीरे दबाव दीजिए, प्रेस कीजिए इस पीलो को घुटने के दबाव से। चलिए कीजिए इसका अभ्यास 10 से 15 बार, इसका दबाव दीजिए फिर ढीला छोड़िए। चलिए अंदर की ओर दबा के रखना है, अब टाइट से दबाइए, होल्ड करके रखेंगे दबा के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रिलैक्स। चलिए पीलों को निकाल दीजिए, घुटने मोड़े रखें। चलिए अब करना क्या है, अपनी एडी को ऊपर उठाएं, एडी को ऊपर उठाएं, पैर की अंगुलियों को नीचे दबाएं, एडी को ऊपर उठाएंगे, पैर की अंगुलियों को नीचे की ओर दबाएं, खिंचाव दीजिए पूरा। यहाँ होल्ड करके रखना है, शुरू में आपको थोड़ी देर 10 सेकंड 20 सेकंड रखना है, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है आपको। अगर आप शुरू में 1-2 मिनट रख लेंगे तो आपको समस्या बढ़ सकती है, तो आप शुरू में 10-20 सेकंड से शुरू कीजिए। चलिए दिन में कम से कम आपको 2 से 3 बार करना है, अगर आप ज्यादा आपके पास टाइम है ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको जल्दी लाभ मिलेगा। चलिए वापस अंगुलियों को निकालिए, चलिए दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अब साइक्लिंग का अभ्यास करेंगे एक एक पैर से। चलिए राइट लेग को घुटने से मोड़े, 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए चलाइए पैर को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, reverse cycle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रिलैक्स। चलिए रिलैक्स करेंगे, राइट लेग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अब लेफ्ट लेग से करेंगे। चलिए कीजिए अभ्यास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, anti clockwise reverse, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। चलिए रिलैक्स, अपने दोनों पैर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, दो से तीन लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। चलिए रिलैक्स करें, अब करवट ले लीजिए। चलिए दाएं करवट ले लीजिए, राइट साइड पैर को सीधा कर दें, अपने राइट हैंड को नीचे लगा दीजिए। चलिए आपका पूरा शरीर एक सीधी लाइन में, ऐसे आगे पीछे ना, पूरा एकदम सीधी लाइन में। चलिए लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रख दें, अपनी राइट लेग को ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी ओर खींच के रखें, पंजे को अपनी ओर खींचे, घुटने से पैर को सीधा करने की कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा जेल सर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। धीरे धीरे रिलैक्स। चलिए करवट चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। चलिए कीजिए अभ्यास, दूसरी साइड अपने, अब पंजे को अंदर की ओर खींच के रखें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स। चलिए सभी रिलैक्स कीजिए, एक मिनट तक आंखें बंद करके रिलैक्स करें, अपने बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई विचार नहीं, आपका पूरा ध्यान अपने शरीर पर, जहां भी दर्द हो रहा है उसे देखें, जहां खिंचाव हो रहा है उसे देखें। चलिए रिलैक्स करेंगे, करवट लेते हुए अपने स्थान पे बैठ जाएं। जिनको घुटने की ज्यादा समस्या है उनको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है, उनको पलाती यानी कि चौकड़ी लगा के नहीं बैठना है ज्यादा समय तक, और ज्यादा सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी है। जिनको ज्यादा समस्या है उनके लिए बता रही हूँ, और उनको वज्रासन में भी नहीं बैठना है और पद्मासन भी नहीं लगाना है उन लोगों को। चलिए